अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज से हमने शुरू कर दिया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो कोर्स था वो भी स्टार्ट कर लिया। तो अब इसकी कुछ मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या 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 इसमें आगे आएगा। तो देखिए इसमें जो मेन टॉपिक्स है वो टू टॉपिक्स है, इसमें मेन दो टॉपिक्स है। ठीक है, एक है कैलकुलस और दूसरा है एनालिटिक ज्योमेट्री। अच्छा जी, अच्छा, इसमें हम यही दो टॉपिक मेन टॉपिक जो है यही पढ़ेंगे। देखिए, अच्छा, कैलकुलस को जो डिस्कवर किया था वो किसने, न्यूटन ने कैलकुलस को डिस्कवर किया था, और एनालिटिक ज्योमेट्री को डिस्कवर मेरे ख्याल से, अच्छा, एनालिटिक ज्योमेट्री को डिस्कवर किया था रीना डिस्कार्टिक्स, उसका कुछ इस तरह का नाम था, क्या है, रीना डिस्कार्टिक्स था। अच्छा जी, अगर स्पेलिंग में कोई मसला हो तो बेशक आप इसको फिर ठीक कर लें। अच्छा, अब इन दोनों ने इसको डिस्कवर, कैलकुलस को किसने, न्यूटन ने, और एनालिटिक ज्योमेट्री को रीना डिस्कार्टिक्स ने इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, अब कैलकुलस में हम मेन दो चीज़ें पढ़ेंगे, कैलकुलस पेपर हम मेन दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक है इंटीग्रल कैलकुलस और दूसरा जो इसका जो है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो सब इसमें हम टू टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, टू टाइप्स, ठीक है, वो क्या है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है इंटीग्रल है। अच्छा, इसमें हम ये तो पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहां पर जो बात है वो ये है कि इसमें कितने चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें कितने चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो इंटीग्रल है और डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस पे हमारे पास जो चैप्टर आते हैं वो है चैप्टर, वो हमारे पास 2, 3, 4, 10 और 11.1। हम ये किस पर पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस पर, अच्छा सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस पर। अब बात है इंटीग्रल की, तो इंटीग्रल पर हम पढ़ेंगे 5 और 9, ये पढ़ेंगे, ये अब 5 और 9 है मेरे ख्याल से, और 11.2 है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये पढ़ेंगे, अच्छा ये दोनों जो कैलकुलस के ये दोनों जो टाइप्स हैं ना, कैलकुलस के ये दो टाइप्स किस चीज निकले हैं, ये लिमिट से निकले हैं, ये दोनों लिमिट से निकले हैं। अब लिमिट क्या है, अच्छा लिमिट जो है इस चैप्टर सेकंड ईयर के जो मैथ्स है इसका स्टार्ट का पहला टॉपिक है, ठीक है, फंक्शन एंड लिमिट, तो ये इसका टॉपिक है। अच्छा, अब इसी उसकी कुछ बैकग्राउंड हो गई जो कि मैंने आपको बता दी। अच्छा, और इसको इसकी थोड़ी बहुत आपको समझ भी आई होगी। अच्छा, अब चलते हैं टेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट में जो पहले कुछ पेजेस हैं ये आप देख लें अपना पे, ये पेज नंबर 1 से लेकर ये जो जितने भी मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे, ये एक सॉफ्टवेयर की आपको हैंड्स देगा कि आप एक मैपलैब एक सॉफ्टवेयर है, तो उसकी वो आपको बताएगा कि आप इसको किस तरह यूज़ करेंगे जो कि आगे आपको इस्तेमाल होगा। तो इसको मैं बाकायदा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह, अगर मौका मिला तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन इससे आगे हम चैप्टर को स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए अब ये देखिए फंक्शन एंड लिमिट इसका जो पहला टॉपिक है। अब फंक्शन और लिमिट ये क्या चीज़ें, तो सबसे पहले आप थोड़ी सी पढ़ेंगे फंक्शन को कि फंक्शन क्या है। देखिए इसकी आप रीडिंग कर लें, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि फंक्शन जो होता है वो हमेशा किसी दो चीज़ों के दरमियान होता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि एक मिनट, अच्छा अब यहाँ पर एक बात आपने और याद रखनी होगी कि फंक्शन को आपने सीखने के लिए आपके पास इसमें कोई खास थ्योरी भी नहीं है, कोई खास एग्जाम्पल्स भी इसमें भी नहीं है सेकेंड ईयर के बुक में। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका फर्स्ट ईयर का जो 8 चैप्टर है ना वो आप देख लें,
एट चैप्टर देख लें, आपका जो फंक्शन का जो मसला है वो हल हो जाएगा। चलिए एट चैप्टर को खोलते हैं कि पेज नंबर कौन से पे है। तो ये नाइन सॉरी ये जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है इसमें हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अच्छा जी, तो ये फंक्शन का जो पहला ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन है। अब यहाँ पर जो बताया गया है टू रिमोट फाइव, अच्छा जी, इज मे बी फॉर योर सिचुएशन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी। अच्छा, एक क्वांटिटी हमेशा डिपेंड करेगी दूसरी क्वांटिटी पर, सिर्फ डिपेंड नहीं होता। क्वांटिटी इज डिस्क्राइब मैथमेटिकली फंक्शन। अच्छा, इसको मैथमेटिकली फंक्शन कहते हैं। देखिए, जब भी एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो उसको हम फंक्शन कहेंगे, मैथ्स की जुबान में उसको फंक्शन कहेंगे। देखिए, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर डिपेंड नहीं करती तो उसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। अच्छा, टू बी मोर स्पेसिफाइड द वैल्यू ऑफ वाई डिपेंड ऑन एक्स, चले जी, इन सच अ वे दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज डिमांड एक्चुअली वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई देन द फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा देखिए, फंक्शन की एक और आपने बात याद रखनी होगी कि फंक्शन में हम क्या कहते हैं कि फंक्शन को आप जब भी लिखेंगे ना, जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल y is equal to f of x, ठीक है, हम x को वैल्यू दे देते हैं। देखिए, दिए एक फंक्शन है। फंक्शन की एक और बात आपने याद रखनी होगी कि फंक्शन हमेशा एक वैल्यू पर एक ही वैल्यू देगी। मतलब क्या है कि इस तरह का मैंने जो बताया था इससे पहले भी, मैंने तकरीबन बताया था कि इस तरह इसमें पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ाते इस तरह पढ़ाते हैं, देखें फॉर एग्जाम्पल a, b, c और d। अच्छा, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x, ठीक है। अच्छा, ये इसके साथ। तो देखिए, फंक्शन में देखिए इस तरह नहीं हो सकता कि एक a की वैल्यू दो हो। मतलब a, इसकी आप इस तरह मिसाल ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल a हमारे पास एक मोबाइल है फॉर एग्जाम्पल, और इसकी दो वैल्यू की वो एक रुपये भी मिलता है और टू रुपये भी मिलता है, तो इट्स इम्पॉसिबल कि मोबाइल प्राइस तो एक ही है मगर इस तरह फंक्शन। देखिए, मैं आपको यहाँ खुद भी कंफ्यूज हो गया। अच्छा देखिए, मैं यहाँ बता देता चलूँ कि एक चीज़ की हमेशा दो वैल्यू नहीं होती, हमेशा एक एक चीज़ की एक ही वैल्यू होती है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप अगर एक इस तरह आप सपोज कर सकते हैं कि एक मशीन है, ठीक है, और उसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल पानी डालते हैं तो वो हमको पेट्रोल नहीं देगा, पेट्रोल और पानी मिक्स दोनों नहीं देगा, या तो वो हमको पानी देगा या वो हमको पेट्रोल देगा, जो हमने डाला होगा वही हमको देगा। तो वो एक फंक्शन है। फंक्शन बहुत ही आसान है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। फिर इसमें हमने फर्स्ट ईयर के कोर्स में ये आप देख लें, जितने भी जो सीखना चाहते हैं, जो फर्स्ट ईयर का जो एट चैप्टर है वो आप इसको रीड करें, रीड ज़रूर करें। फिर हमने कहा कि इसको डोमेन भी कहते हैं, जो वैल्यू मशीन को हम देते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो वैल्यू मशीन हमको देता है वो उसका रेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट हम इस तरह भी कर सकते हैं कि वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चले, ये हमारे पास एक मशीन है, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दें, ठीक है। ये हमारे पास एक मशीन है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक मशीन है। अब देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पुट कर ले आप, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह कर ले, चले इसको आप f की जगह 2 लिख ले, 2x, ठीक है। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है, y इज इक्वल टू x। नो, देखिए, पुट x इज इक्वल टू 2, चले y इज इक्वल टू इंटू 2, y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास फंक्शन था, वो फंक्शन था जिसको हमने जो वैल्यू हम देते उसको डोमेन कहते, हमने 2 दिया, जो वैल्यू मशीन हमको देता वो उसका रेंज हो गया, तो ये उन्होंने रेंज दे दिया, ठीक है। डोमेन वो होता है जो वैल्यू हम देते हैं, रेंज वो होता है जो वैल्यू मशीन हमको देता है। तो फॉर एग्जांपल 2x हमारे पास मशीन है, हमने उसको डोमेन दिया 2 और उन्होंने रेंज दिया क्या 4, ठीक है। तो आपको इसकी समझ आएगी, आ चुकी होगी। अच्छा, अब एक और बात याद रखिए कि फंक्शन को हम डिस्क्राइब जो करते हैं वो 4 तरीके से है। 4 तरीकों से हम किसी भी फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसका जो पहला तरीका है वो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ईयर की कोर्स में है मेरे ख्याल से, अच्छा फर्स्ट ईयर की कोर्स में है। इसका एक तरीका है वर्बली और दूसरा है अलजेब्रिकली, न्यूमेरिकली और वर्बली अलजेब्रिकली न्यूमेरिकली और एक दूसरा भी
ग्राफिकली ग्राफिकली हाँ। अच्छा अब यहाँ पर हम आपको बताते चले कि देखिए जब भी आपने कभी अगर यहाँ तक पहुँचो तो ज़रूर फिजिक्स में जो केमिस्ट्री में बॉयज ला चार्लिस ला विगार्डोस ला ये है केमिस्ट्री में वो आपने पढ़े होंगे। अब यहाँ पर देखिए बॉयज ला क्या है, देखिए बॉयज ला में हमारे पास जो प्रेशर और मेरे ख्याल से वॉल्यूम का जो खाचा बॉयज ला में ये है कि हम उसको तीन चार चार तरीकों से डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि इसके स्टेटमेंट में क्या है, ठीक है। तो इसका एक तरीका हो गया किसी भी फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। अब देखिए फिर उसके हम दूसरी लिखते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, फिर ग्राफिकली, ठीक है। तो इसी तरह हम किसी भी फंक्शन को चार तरीकों से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए अगर आपको आ जाए कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या z इज इक्वल टू वाई एक्स, जो भी आपको आ जाए तो आपने जिस देखिए फॉर एग्जाम्पल आ गया z इज इक्वल टू वाई एक्स, चलिए ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आ गया पेपर में आ गया जहाँ भी आ गया। तो देखिए हमने जो जहन ले जाना होगा वो क्या है, वो यहाँ पर ले जाना होगा कि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है, ये हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन है। अब देखिए आपने ये सपोज करिए हमारे पास फंक्शन है तो आपको जहन में ये भी आएगा कि फंक्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं चार तरीकों से, चार तरीकों से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। मैंने जिस तरह बताया वर्बिकली मैथमेटिकली ग्राफिकली और न्यूमेरिकली, तो इसकी ये चार तरीके हैं जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। किसी भी फंक्शन को चार तरीकों से डिस्कस करते हैं। अगर इसमें आ गया कि फंक्शन को कितने तरीकों से हम डिस्कस कर सकते हैं तो आपने लिखने होंगे चार तरीकों से हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं। अच्छा अब बुक की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो उनकी ज़रूरी है कि वो 8th चैप्टर का जो ये जो डोमेन और रेंज और ये जो फंक्शन है ना ये ज़रूर पढ़ लें। इसमें जो सब कुछ दिया गया है कि वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन ये सब कुछ डोमेन क्या होता है रेंज क्या होता है ये सब कुछ दिया गया है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे लिट एक्स इज इक्वल टू वाई द फंक्शन ऑफ एक्स a set of y, then the set of x is called domain. अच्छा x क्या है, चले x और y के दरमियान फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है तो x को जो वैल्यू हम देंगे वो उसका डोमेन होगा और रेंज होगा y इज द रेंज ऑफ y, जो मतलब ये है कि जो मशीन का हमको देगा वो उसका रेंज होगा, ठीक है। हाँ हूज सेट x on which is defined as how is the x set of the function the number of अच्छा ये फिर यहाँ बात की गई कि जिस तरह मैंने बताया था कि इसमें इस तरह का पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि क्या है, मतलब ये है एक्स, मतलब एक चीज़ मतलब अगर 20 रुपये है तो 20 रुपये पॉसिबल नहीं, गलत हो गई, अच्छा सॉरी। तो ये था इसका कुछ बेसिक और आपको बताता चलूँ कि जो फंक्शन और लिमिट है तो लिमिट को इंशाल्लाह कल करेंगे अगली वीडियो में करेंगे और इसमें कुछ भी नहीं इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ये इसकी जस्ट इंट्रोडक्शन और इसकी बैकग्राउंड थी जो मैंने आपको बता दी।